जय माता दी। एग्जिट करते हैं और ऊपर चलते हैं जल्दी से। पहुंच गए भाई ऊपर जल्दी से, और इतनी सी लाइन है यहाँ पे अभी आरती के लिए ना। मंदिर बंद होने वाला है तो सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। पता नहीं अंदर कैमरा अलाउड होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। लाइन में से ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, ठीक ठाक ही है। और ऊपर चल कर देखते हैं क्या सीन है। इसलिए है कि आरती होने से पहले अगर अपन दर्शन कर लेंगे तो वो अपने लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जय हो भैरव बाबा की। भाई बाहर जाने के रास्ते में पहुंच गए, टोटल 5 मिनट भी नहीं लगे दर्शन में, क्योंकि अभी मंदिर ऑफ होने वाला था आरती के लिए। अपना काम अच्छे से बन गया। छोटी सी रिकॉर्डिंग हो सकता है आपने अभी तक अगर ठीक से बनी होगी तो आपने जरूर देखी होगी। चलिए आगे चलते हैं। जय भैरव बाबा की, जय माता दी। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आपको व्यू दिखाते हैं नीचे का। नीचे ये सांझी छत आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे ये हेलीपैड बस यहाँ से दिख रहा है, और पूरे में एकदम धूप निकल आई है तेज। और इधर है बाबा जी के धुने की भभूति जो सब लोग ले रहे हैं। ये देखो सर, ये इधर जो है वो कटरा जाने का पैदल रास्ता है, बाकी रोप ट्राई करते हैं, रोपे मिल ही जाएगी अपने को तो। दिखाते हैं आपको, मिल गई। ये क्या कर दिया भाई, नीचे से एग्जिट करने से पहले ना एक आपको जबरदस्त वाला व्यू और दिखाते हैं। भैरव घाटी से माता वैष्णो देवी के भवन का ये वाला नजारा देखने के लिए तो यहाँ पे स्पेशल आना चाहिए, मतलब स्पेशल आते हैं लोग, और गजब है, सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हो। तो 2 मिनट तो यहाँ हम लगाएंगे जरूर, दिखाते हैं आपको। इधर भैरव बाबा का मंदिर, और ये हमारी खूबसूरत भैरव घाटी के दर्शन आप करिए एक बार, क्या नजारे हैं यहाँ से। मंदिर दिखाते हैं आपको नीचे, पीछे होगा ये नीचे सांझी छत का हेलीपैड वहां पे है, और मंदिर देखते हैं एक बार। ये माता वैष्णो देवी का भवन, क्या नजारा है यहाँ। और बाकी घाटी तो है ही गजब की। ये सामने बाबा जी का मंदिर, सामने का नजारा भवन के दर्शन। ये देखो जय माता दी।